हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आई विश कि आप लोग हमेशा अच्छे रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दीप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कैच लाइव विद दीप में। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आई हूं एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ, और आज मैं शेयर करने वाली हूं आप लोगों के साथ अमृतसरी पिंडी छोले। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा, तो आज चलिए बना लेते हैं अमृतसरी पिंडी छोले। इसके लिए क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे कुकर ले लिया है। कुकर में आपने पानी डाल लेना है, और साथ ही साथ जो हमने चने भिगो रखे हैं उन चनों को इसमें डाल देना है। साथ ही इसमें जब मैं बॉईल करूँगी इसको, इसके साथ साथ मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी इसमें। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ले लिया एक तेज़पत्ता, और एक ले लिया है यहाँ पे मैंने दालचीनी का टुकड़ा। साथ ही साथ इसमें मैं और खड़े मसाले ऐड करूंगी, जिसमें लौंग है, बड़ी इलायची है, और एक पोटली बना रखी है मैंने यहाँ पे चाय पत्ती की, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो इस चाय पत्ती की पोटली को मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि इससे जो है ना इसका कलर बिल्कुल डार्क हो जाएगा, इसलिए पोटली डाली है। और पोटली ऐसी बनाइएगा कि वो खुले ना। जब भी पोटली बनाइए आप चाय पत्ती की, तो ऐसी बनाइए कि वो खुले ना, इसलिए इसको अच्छे से बांध के ही पोटली बना के इसमें डालिएगा। इस पोटली में मैंने 2 से 2.5 चम्मच जो है ना चाय पत्ती ली हुई है, और मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है। साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा मीठा सोडा। मीठा सोडा ऐड करने से क्या होता है, जो छोले हैं वो जल्दी गल जाते हैं, और पिंडी छोले जो होते हैं ना उसमें जो छोला होता है, जो चना होता है, वो ज़्यादा गला हुआ ही अच्छा लगता है। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाला है, जिससे कि ये जल्दी से गल भी जाए, और फिर ये अच्छे से पकने के बाद जो छोले हैं वो टाइट ना रहे, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो अभी इसमें मैंने लगा दिया है सीटी। जब तक ये सीटी लगती है, ठंडी हो गई हो जाए ये सीटी, तब तक मैं बना लेती हूँ इसके मसाले। मसाले बनाने के लिए मैंने एक यहाँ पे बाउल ले लिया है। बाउल में मैं अब मसाले ऐड करूँगी, क्या क्या मसाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा चिकन मसाला, और आप चाहे तो छोला मसाला भी ले सकते हैं। और ये जो मसाला है ना, ये मैंने खुद घर में ही बनाया हुआ है, तो ये मैं घर का ही मसाला यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। साथ ही मैंने यहाँ पे सेंधा नमक ले लिया है। नमक हमने पहले भी डाला था, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। साथ ही मैंने यहाँ पे धनिया का पाउडर ले लिया है। धनिया का पाउडर लेने के साथ साथ अब मैं इसमें जो ऐड करने वाली हूँ, थोड़ी सी जो है जीरा का पाउडर ऐड करूँगी। अब इसमें गया लाल मिर्च का पाउडर, ये तीखी लाल मिर्च का पाउडर है, इसलिए मैंने कम ही लिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपकी मिर्च कितनी तीखी है। साथ ही यहाँ पे गया है ये काली मिर्च का पाउडर, जिसे ब्लैक पेपर भी कहते हैं, और ये गया हींग इसमें। अब मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, आपके पास अगर कसूरी मेथी का पाउडर है तो भी डाल सकते हैं। साथ ही ये ड्राई जिंजर डाला है मैंने इसमें। इसमें ये गया थोड़ा सा काला नमक। अब इसको हम मिला लेंगे। साथ ही इसमें ऐड करने वाली हूँ एक दो चीज़ें और, जो मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। अच्छे से इनको मिला लेंगे, इन मसालों को। और इस मसालों को पहले ही ऐसे मिला के रख लेना ज़्यादा अच्छा होता है, 1 by 1 डालने से। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डाल दिया है अमचूर का पाउडर, ये थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है, क्योंकि आपको पता ही है हमारे इंडिया में कोई भी जो खाना बनता है उसमें हल्दी यूज़ ज़रूर करते हैं, और हमारे यहाँ इसको हल्दी ऐड करके ही बनाते हैं, क्योंकि बिना हल्दी का खाना हमारे यहाँ नहीं बनता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड की है। साथ ही साथ यहाँ दिखा रही हूँ जो छोले मैंने उबाले थे, उसका कलर कितना अच्छा आ गया है, और इसका पानी जो बचा है वो भी मैंने रख लिया है यहाँ पर। तो अब आगे के प्रोसेस शुरू करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर कढ़ाई मैंने रख दी है, कढ़ाई में मैंने ऑयल भी डाल दिया है। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं आप उसको ले सकते हैं इसमें। और अब मैं यहाँ पे एक प्याज लिया था, यहाँ बड़ा प्याज था, उसको मैंने अच्छे से पीस लिया था। उस प्याज को अब मैं इसमें भून लूँगी। पहले सबसे पहले प्याज डालेंगे इसमें। खड़े मसाले अब मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि खड़े मसाले का जो अरोमा है वो मेरी छोले में जब मैं उबाल रही थी तभी आ गया था उसमें। और अब इसमें मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट मिलाई हूँ। इसमें मैंने लाल मिर्च जो होती है ना साबुत, वो भी पीस लिया था, तो इसका पेस्ट अब ऐड कर दूँगी इसमें मैं। 1 से 2 मिनट तक इसको भून लेंगे। एक से दो मिनट भूनने के बाद ये है ना, इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं टमाटर की प्यूरी। यहाँ पे मैंने एक बड़ा टमाटर लिया था, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और इसको भी थोड़ी देर चला के अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि जो है इसका कच्चापन इससे निकल जाए, और मसाले से जो है ना कच्चेपन की जो खुशबू आती है, या कच्चे मसाले का जो स्वाद आता है प्याज का, वो निकल जाएगा। तो इसको 1 से 2 मिनट तक हम भून लेंगे।
अब इसमें जो हमने मसाले बना के रखे थे ना बाउल में, वो मिक्स कर देंगे और अब इसको हम भूनेंगे। ये मसाले एक बार में ही बना के रख लिया था मैंने, तो अब इसको हम डाल के इसमें भून लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि मसाले जो होते हैं ड्राई रोस्ट होते हैं पहले ही। जो मैं मसाले यूज़ करती हूँ घर में ही पीस के यूज़ करती हूँ इसको, इसलिए सारे मसाले जो है ना मेरे ड्राई रोस्ट हैं, तो इस वजह से इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर प्याज और लहसुन के कच्चेपन को दूर करने के लिए मैं भूनना था इसको, तो बस ये डाल दिया है। थोड़ी देर इसको ढक के पका लूँगी, जब ऑयल रिलीज़ होने लगेगा तो बस इसका जो छोले हैं इसमें हम ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको ढक दिया है, अब इसको थोड़ी देर ढक के पका लेंगे। तो ये देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है ऑयल जो है ना मसाले से रिलीज़ होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो मसाला है अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने छोले उबाले थे अब ये छोले हम इसमें ऐड कर देंगे। जो छोले के लिए हमने चने उबाले थे अब इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हम थोड़ी देर मिला लेंगे इसमें ताकि मसाले अच्छे से मिल जाएं। तो ये देखिए जो मसाला है अच्छी तरह से मिल चुका है इसमें। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो पानी हमने बचा के रखा हुआ था वो पानी इसमें हम ऐड कर देंगे। पिंडी छोले जो होते हैं वो उसकी थिकनेस ही कम, मतलब थिकनेस वाली ही ग्रेवी अच्छी होती है इसमें, ज़्यादा वाटरी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसमें मैं थोड़े से जो पानी बचे थे वही पानी ऐड किया हुआ है। अब इसको हम थोड़ी देर ढक देंगे, ढक के ही पका लेंगे। थोड़ा सा एक बॉयल आने तक इसको हम पका लेंगे और बस बनके रेडी हो चुका है हमारा पिंडी छोला। तो देखिए बनके रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसका हम आगे का जो तड़का लगाने का प्रोसेस है वो मैं आपको बता देती हूँ। छोले में तड़का लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उससे इसका जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए इसके लिए मैंने पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए। गर्म हो गया है पैन हमारा, अब इसमें हम ऑयल यूज़ ऐड करेंगे। ऑयल मैंने पहले से ही डाला था, तो मैंने यहाँ पर रफली नहीं फाइन चॉप जो है ना लहसुन डाल दिया है। इसको अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये अब भून चुका है, इसमें थोड़ा सा मैं हींग ऐड कर दूंगी। हींग और यहाँ पे मैंने चाट मसाला थोड़ा सा ऐड किया था। और अब इसमें साबुत जो हरी मिर्च होती है ना उसके दो दो टुकड़े कट किए थे मैंने, वो इसमें डाल देंगे। थोड़ी देर इसको भी भून लेंगे। और अब ये थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल दी मैंने इसमें, थोड़ा सा यहाँ पे कसूरी मेथी फिर से डाल दिया है मैंने। और ये तड़के के लिए रेडी हो चुका है, अब हम लगा देंगे तड़का। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप मसाले ऐड करेंगे तड़के के लिए तो फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दीजिएगा, नहीं तो मिर्ची जो है जल जाएगी। तो देखिए बन के ये रेडी हो चुका है हमारा पिंडी छोला, अमृतसरी पिंडी छोला यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाई हूँ। और इसमें मैं कलर इसलिए थोड़ा सा मेरा डार्क नहीं आया है क्योंकि मैंने ज़्यादा चाय पत्ती की यूज़ नहीं की है और थोड़ी सी हल्दी यूज़ की है, क्योंकि बिना हल्दी का हमारे यहाँ खाना नहीं बनता है। आप चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, पर स्वाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ था हमारा ये पिंडी छोला। तो कैसी लगी ये रेसिपी बताइएगा ज़रूर, बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का और ये बन के रेडी हो जाता है। बस बन गया ये, और इसको थोड़ा सा है ना जो छोले हैं अपने चने भिगोए थे उसको थोड़ा सा आप गला दीजिएगा ताकि इसको अच्छे से थोड़ा इसमें आप मैश कर सकें। तो ये अच्छी तरीके से बन के रेडी हो चुका है, आप चाहे तो नान के साथ रोटी के साथ एंजॉय कीजिए। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।